ओम शांति ज़रूर लिखे। दुखद भरी खबर इस समय की जम्मू से आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि रेलवे फाटक पर एक बहुत ही बड़ा हादसा देखने को मिला है, जिसके नतीजे में एक 54 साल के व्यक्ति की जो है वो उसमें जान चले गई है। जानकारी के मुताबिक जो डिटेल्स हमारे पास आई हैं वो हम आप लोगों तक साझा करने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति जिसका नाम कुलबीर सिंह संब्याल सनाफ प्रसिद्ध सिंह संब्याल, जो कि आरओ हाउस नंबर 45A राजपुरा सुभाष नगर नियर एजुकेशन बोर्ड के रहने वाले थे और इनकी शादी जो है वो जम्मू के ही नानक नगर में हुई थी, यानी कि रिहाड़ी के रहने वाले थे और शादी जो है वो इनकी नानक नगर में हुई थी। लेकिन ऐसे में इनका शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे फाटक, जो कि शन्नी का फाटक है, वहाँ पर जो है वो देखने को मिला है, जिसके बाद परिवार में जो है वो मातम का माहौल छाया हुआ है और हर कोई इस बात को लेकर परेशान है कि आखिरकार 54 साल के कुलबीर सिंह संब्याल जी के साथ ऐसा क्या हुआ है, न जाने इनके साथ ऐसा क्या हुआ है। लेकिन वहीं रेलवे पुलिस की बात की तो उनकी तरफ से जो है वो इनकी बॉडी को जीएमसी जम्मू के मॉर्चरी रूम में यहां पर शिफ्ट किया गया है और अभी फिलहाल इनका पोस्टमार्टम यहां पर किया जाएगा। लेकिन अभी डॉक्टर्स की टीम बैठेगी और बोर्ड पूरा बैठेगा, उसके बाद ही जो है वो आगे की कार्रवाई यहां पर रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस भी मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार किस तरह से इस 54 साल के व्यक्ति कुलबीर सिंह संब्याल जी की जो है वो जान चले गई है। यहां पर ये बात यहां पर समझ में आ रही है कि ना जाने ये सुसाइड है या मर्डर है या क्या कुछ हुआ है, ये कोई एक्सीडेंटल केस रहा है, ये सब एक जांच से जुड़ा पार्ट रहेगा और कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन माता रानी के आगे, वाहेगुरु के आगे, अल्लाह के आगे मैं भी यही दुआ करता हूं और आप सब लोग भी ये दुआ करें कि 54 साल के कुलबीर सिंह संब्याल, जो कि जम्मू के रिहाड़ी के रहने वाले थे, इनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे शन्नी फाटक से जो है वो देखने को मिला है और ये बताया जा रहा है कि अचानक ट्रेन के साथ टकराने से जो है वो इनकी मौत हो गई है। लेकिन वो किस तरह से हुई है, ना जाने ये इनका सुसाइड किया या फिर इनका मर्डर किया गया है, ये सब कहना बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन ना होती तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेकिन परिवार से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो इनके परिवार वाले हैं, जो घर के इनके सदस्य हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये दुखद भरी खबर इस समय की जीएमसी जम्मू के मॉर्चरी रूम के बिल्कुल बाहर से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक 54 साल का व्यक्ति जिसका नाम कुलबीर सिंह संब्याल सना प्रसिद्ध सिंह संब्याल, जो कि राजपुरा सुभाष नगर यानी कि रिहाड़ी के रहने वाले थे और इनका संदिग्ध परिस्थितियों में शव जो है वो रेलवे शन्नी फाटक से जो है वो देखने को मिला है और जिसके बाद रेलवे पुलिस द्वारा इनका शव जीएमसी जम्मू के मॉर्चरी में यहां पर लाया गया और परिवार वालों को इस बात की इतला दे दी गई है। अभी डॉक्टर्स की टीम बैठेगी, उसके बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा और आगे की इंक्वायरी जो है वो जो भी है वो की जाएगी और उसके बाद ही बाकी बातों का पता चल पाएगा कि आखिरकार कुलबीर सिंह संब्याल जी के साथ ऐसा क्या हुआ है कि जिसके चलते आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। ओम शांति जरूर लिखें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।